छतरपुर के सटई रोड पर एक व्यापारी द्वारा ट्रक में लोड करवाया जा रहा पीडीएस का चावल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जब्त किया गया। हम आपको बता दें कि छतरपुर में लंबे समय से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में गल्ला माफियाओं द्वारा सरकारी उचित मूल्य की दुकानों का चावल लोड कर बाहर विक्रय किया जाता रहा है। प्रशासन की टीम को जानकारी लगते ही उक्त ट्रक और उसमें लोड चावल को जब्त करते हुए जब्ती बनाकर वेयरहाउस में रखवाया गया और वहीं दूसरी ओर ट्रक को थाना सिविल लाइन के प्रांगण में भी रखवाया गया है। फिलहाल उक्त पूरे मामले में जिला प्रशासन यदि मामले की जड़ तक जाता है तो इस काला बाजारी के काम में लिप्त लोगों को बड़ी मात्रा में पीडीएस के राशन के साथ पकड़ा जा सकता है। ट्रक है जिसका MP09HS7174 मंडी ने इसे रोका है। इसके अंदर चावल भरा है और चावल जो है प्लास्टिक की बोरी में सीले हुए देखा है। अभी उसको जाँच में लिया है। अभी वर्तमान में जो गाड़ी का ड्राइवर है वो मिला है तो उससे हमने बयान लिए हैं और जो इसके गाड़ी मालिक है उसको भी बुला रहे हैं और जिसके यहाँ से व्यापारी यहाँ से चावल भरा है उसकी भी जा रही है। यह कह पाना ठीक नहीं है, ऐसे नहीं किया जा सकता। बोरी चेंज है, बोरी पीडीएफ की देखी जा रही है। पीडीएस का चावल जो होता है वो जूट बैग्स में आता है, ठीक है ना, और सिला हुआ रहता है और ये प्लास्टिक की बैग्स में भरा हुआ हाथ से सिला हुआ है। तो चावल को यह कहना ठीक नहीं है कि ये पीडीएस का है। पीडीएस चावल अब कोई हितग्राही अगर अपना चावल लेता है दुकान से और वो अपने चावलों किसी व्यापारी को या किसी भी फुटकर व्यापारी को बेचता है तो उसमें कोई ऐसी इतनी बड़ी मात्रा में सर चावल तो अब चावल तो देखिए ऐसा है कि भारतीय खाद्य निगम भी ओपन मार्केट में चावल का विक्रय करती है, सेल आउट करती है।